दोस्तों अगर आप भी सूर्य और हार्दिक को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी 6 महीने से भी अधिक का समय शेष है, लेकिन BCCI कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है और अगले साल भारत को T20 विश्व चैंपियन बनने के लिए BCCI ने अभी से अपने 11 खिलाड़ियों का चयन कर लिया जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले। तो आखिरकार रोहित कोहली को बाहर कर किन 1100 युवा सितारों पर BCCI ने जताया भरोसा? आखिर किसके कंधों पर सौंपी है टीम की कमान? किसे बनाया कप्तान? कौन है वो 11 खिलाड़ी जो भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए अमेरिका जाने वाले? वर्ल्ड कप के लिए भारत की प्लेइंग 11 तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली को भी T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वनडे विश्व कप के फाइनल मैच में मिली हार के बाद करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया था, लेकिन हर किसी को IPL का बुखार चढ़ा हुआ। इसी बीच हमने ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-4 से परास्त कर दिया, तो साउथ अफ्रीका की धरती पर भी हमारे खिलाड़ियों ने T20 और वनडे सीरीज में परचम लहरा दिया। जनवरी में भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम T20 मैचों की सीरीज भी खेलनी है, उसके बाद तो 2 महीने के लिए पूरी दुनिया भर के खिलाड़ी हिंदुस्तान में IPL का हिस्सा बनने के लिए आएंगे। लेकिन शायद पूरी दुनिया को ये अंदाजा नहीं है कि BCCI और भारतीय टीम ने अभी से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी को शुरू कर दिया है। तो वहीं फैंस के लिए सबसे बड़ा झटका तो ये ही हो सकता है कि सभी के चयन टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी जैसे रोहित और कोहली को T20 वर्ल्ड कप के लिए न चुना जाए, क्योंकि उनकी फिटनेस और फॉर्म T20 की टीम में होने का हकदार नहीं उन्हें नहीं बनाती है। आपको बता दें 2024 का T20 विश्व कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है। इस बार इस टूर्नामेंट में 20 टीम खेलने वाली है और ये टूर्नामेंट 4 जून से 30 जून तक खेला जाएगा, यानी जबरदस्त टूर्नामेंट होने वाला है। सभी टीम एक दूसरे को कांटे की टक्कर देगी। इन सभी चीजों के मद्देनजर रखते हुए भारत के सभी खिलाड़ी जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। हालांकि सभी ने सोचा था कि कप्तान रोहित जो भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे वो T20 वर्ल्ड कप में अपनी कसर पूरी करेंगे, लेकिन अब उनके फैंस को 440 वोल्ट का झटका देते हुए ऐसी खबरें निकल कर आई हैं कि उन्हें BCCI भारतीय टीम की कमान नहीं सौंपने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं रोहित की फॉर्म बेहद खराब है, तो वहीं उनकी कप्तानी में भारतीय टीम अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच पारी और 32 रनों के विशालकाय अंतर से हारी। ऐसे में अब उनका T20 में जगह बनाना नामुमकिन, और विराट कोहली को तो पहले ही चयनकर्ताओं ने T20 टीम से अलग कर दिया था, यानी कि अब पूरी तरीके से युवा सितारे हमें T20 वर्ल्ड कप में भारत की कमान संभालते नजर आएंगे। जहां टीम इंडिया का कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया जाएगा, तो वहीं कई बड़े बड़े T20 मैच विनर खिलाड़ियों को इस वर्ल्ड कप में मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वर्ल्ड कप के लिए भारत की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो जहां ओपनिंग क्रम में हमें बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी नजर आएगी। टीम इंडिया की प्रिंस के नाम से मशहूर गिल की हालिया फॉर्म उतनी ठीक नहीं है, लेकिन ये खिलाड़ी क्या करने में माहिर है सभी ने देख रखा है। तो वहीं जायसवाल T20 स्पेशलिस्ट है। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नंबर 3 के पायदान पर हमें T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे, जिनका नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। उनका नाम पहचान का मोहताज नहीं है। ऐसे में सूर्य के कंधों पर इस बार भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी गई है। नंबर 4 के पायदान पर तिलक वर्मा को अपना जलवा दिखाने का मौका मिला है। यह खिलाड़ी युवराज सिंह और सुरेश रैना का मिश्रण माना जाता है और उन्हीं की तरह ही मध्यक्रम को संभालने के लिए जिम्मेदारी भी वर्ल्ड कप में इन पर रहने वाली है। तो वहीं नंबर 4 के पायदान पर भारतीय टीम में वापसी हुई है गाबा के शेर ऋषभ पंत की, जो लंबे समय बाद भारतीय टीम के लिए कोई मैच खेलेंगे और T20 वर्ल्ड कप में ये खिलाड़ी सबसे बड़ी भूमिका में हमें नजर आने वाला है। नंबर 6 के पायदान पर T20 के बेताज बादशाह रिंकू सिंह हमें गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे, जिन्होंने अपनी काबिलियत से सभी का दिल जीता है। ऐसे में वर्ल्ड कप के लिए उनकी जगह सुनिश्चित हो चुकी है। तो वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट की कमान सौंपी जाएगी कप्तान हार्दिक पांड्या के कंधों पर, जो न केवल टीम के कप्तान है बल्कि अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भी अकेले ही भारतीय टीम को वो मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले। उनका साथ साथ स्पिन डिपार्टमेंट की कमान रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव के कंधों पर रहने वाली है। तो वहीं पेस डिपार्टमेंट में अपना जलवा दिखाने के लिए जसप्रीत बुमराह के साथ साथ अर्शदीप सिंह की जोड़ी पर चयनकर्ताओं ने भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, रोहित कोहली की गैर मौजूदगी में प्लेइंग 11 का चयन वर्ल्ड कप के लिए किया जा सकता है, जिसमें बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में भी गहराई है और हर एक खिलाड़ी T20 स्पेशलिस्ट है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 में कौन से बदलाव होने चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।